अवैध गांजा की तस्करी करते दो महिला एवं दो पुरुष तस्कर 16 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक बेमित्रा धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बेमित्रा पंकज पटेल, SDOP बेमित्रा राजीव शर्मा के मार्गदर्शन में प्रतिदिन पूरे जिले में समस्त थाना चौकी प्रभारियों द्वारा अवैध शराब, जुआ, सट्टा, गांजा पर लगातार कार्यवाही की जा रही है, जिसके तहत 18 सितंबर को थाना सिटी कोतवाली बेमित्रा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि अज्ञात दो महिला एवं दो पुरुष अपने बैग में अवैध रूप से गांजा लेकर जा रहे हैं। की सूचना पर थाना बेमित्रा स्टाफ थाना बेमित्रा के सामने मेन रोड में नाकाबंदी कर आने जाने वाले वाहनों को चेकिंग के दौरान दो महिला स्वाति मेहरा, सुजाता बाग एवं अजय कुमार पंचा, मोहम्मद फरीद अपने अपने बैग को लेकर जा रहे थे, जिससे घेराबंदी कर पकड़ा गया, जहां आरोपी स्वाति महरा, सुजाता बाग, अजय कुमार पंचा, मोहम्मद फरीद के कब्जे से अलग अलग चार बैग में गांजा, मादक पदार्थ 16 किलो 200 ग्राम कीमती करीबन 2,02,500 रुपए एवं 3 नग मोबाइल व नकदी रकम 1,000 रुपए, कुल रकम 2,16,500 रुपए को नारकोटिक एक्ट के तहत जब्त कर कार्यवाही की गई है। बेमित्रा से तोमेश्वर खरे की रिपोर्ट।